हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीफेरर पर यार। तो और भाई लोग, और प्लीज़ यार, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दीजिएगा, ना मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा। तो आज हम बात करते हैं यार कि जीपी रेटिंग के चीफेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से सस्ते कॉलेज हैं जिसमें फ़ीस कम है। दो तीन कॉलेजों के मैं आपको नाम बता दूंगा यार, कि शायद आप देख सकते हैं, दो तीन कॉलेजों के आपको मैं नाम बता देता हूं कि चीफेस्ट कॉलेज अभी कौन कौन से हैं जिसमें औरों से थोड़ा कम फीस है। मैं आपको बता दूं यार, एवरेज फ़ीस जीपी रेटिंग की आज की डेट में 2 लाख से ऊपर ही है यार। जितने भी ज़्यादातर कॉलेज हैं, काफ़ी कॉलेज हैं इंडिया में, 2 लाख से ऊपर ही हो चुकी है, मतलब 2,25,000, कोई 2.5 लाख भी ले रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूँ यार कि प्लीज़ अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो किसी भी एजेंट, किसी भी मरीन कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाएं, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके बात करें। मैं हर बात बोलता हूँ यार ये कि हर बार मैं ये बोलता हूँ कि किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में ना पड़े यार। आप कुछ करना है तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको 2 लाख का कोर्स 3.5-4 लाख में बैठ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके बात करके उनका एडमिशन प्रोसीजर ले लें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डीजी की साइट है, डीजी की, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डीजी अप्रूव कॉलेज हैं। 2-3 दिन आप नेट पे बैठिए, पूरा सर्च कीजिए, वो ऑफिशियल साइट है डीजी शिपिंग की, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज डीजी अप्रूव हैं करके, और कौन कौन से कॉलेज क्या क्या कोर्स कराते हैं। उनकी हर कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट में देख सकते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार 2-3 कॉलेजों के मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक तो उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी करके है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, वो उड़ीसा स्टेट में है। ये शायद सेमी गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है, मतलब शायद इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट और एक वहाँ का पोर्ट स्टेट है शायद, जो उसमें फ़ंड देता है। तो ये एक कॉलेज है, और एक HIMT चेन्नई में है, एक HIMT करके, हिंदुस्तान मरीन इंस्टीट्यूट करके कुछ है, वो HIMT उसका नाम है, मतलब आप नेट पर HIMT डालेंगे तो आपको सर्च आ जाएगा HIMT में। तो ये 2 कॉलेज हैं, और एक मैंने लास्ट टाइम पे एक बालाजी करके इंस्टीट्यूट है यार तमिलनाडु में एक बालाजी करके इंस्टीट्यूट है, उसमें भी मैंने जब 2 साल पहले बात की थी, 1.5-2 साल पहले, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि 1,50,000 1,60,000 फीस है करके। तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, तो आप देख लीजिएगा, मतलब इनमें औरों से थोड़ा कम फीस है, तो आप पता कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी भी इनमें फ़ीस कम होगी जनरली, मुझे जहाँ तक पता है। तो ये 3 कॉलेजों के आपके नाम बताइए यार, अगर आपके पास उतना ज़्यादा फाइनेंशली नहीं है, फाइनेंशली प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए, इन कॉलेजों से भी आप कर सकते हैं, यहाँ आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। और तो यही था यार इस वीडियो में। तो और भाई लोग यार, प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा भाई लोग, और बताइएगा यार किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है। जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनानी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके भी बता दीजिएगा, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं यार इंस्टाग्राम पे, RHITRAVIPARI, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। और फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रोहित रवि परियार करके मेरी फेसबुक ID है, कोई दिक्कत नहीं यार। जब मैं अवेलेबल रहूँगा, अगर आपको कुछ गाइड कर पाऊँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं यार, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो थैंक यू यार भाई लोग, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा जरूर यार भाई लोग, जितना हो सके उतना चैनल थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक पे यार, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा भाई लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं जब भी अवेलेबल होऊंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा भाई लोग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों।